हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। अगर मैं अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी। जज्बे वाली कौम। थोड़ा सा कुछ होता है कश्मीर में, धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जैसे धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे। पाकिस्तानियों, इस न्यूज को देख के अभी से झलना मत, रोना धोना स्टार्ट मत करना। ये क्या बात कर दी पठान भाई, ये तो कोई खबर नहीं होती तो भी रोना धोना शुरू कर देते हैं, और जब खबर ही ऐसी होगी तो ये तो लोटपोट हो जाएंगे रो रो कर। पता भी है इनके बॉलर्स कितने छक्के मारते हैं। अगर आप में से किसी ने जिंदगी में क्रिकेट ना खेला हो, कम से कम देखा जरूर होगा। हमारा मैच हमसाए मुल्क के साथ हो तो अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़ टेलीविजन की स्क्रीन के सामने बैठते हैं, और जब कोई हमारा बॉलर छक्का लगाता है, चौका लगाता है, चौका लगाता है, पहले क्या बोला, और जब कोई हमारा बॉलर छक्का लगाता है, जिसको देखो क्रिकेट एनालिसिस करने में लगा है, पत्थर उठाओ नीचे से प्लेयर निकलता है, बोलता है भारत के खिलाफ छक्का मारूंगा। जिसको देखो फेंके जा रहा है, इस फेंकू को देखो। देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पे पर लग गए, जो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। और एट द सेम टाइम मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है, पाकिस्तान अगर मैं अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में कि आपकी बूथियाँ हमसे ज़्यादा सोनी हैं, कि हम नहीं सेफ यहाँ पे। सो एट द सेम टाइम यार आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अबे शिबू तुम लोगों की क्या बात करें, तुम तो पैदा ही धमाके के साथ हुए हो, तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। रोज दिवाली होती है तुम्हारे यहाँ, हमारे भारत में साल में एक बार दिवाली आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है मिस्टर इंडियन बेकर का। इन्होंने पाकिस्तान के कुछ लोगों को रोस्ट किया है क्रिकेट को लेकर, तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा रिएक्शन वीडियो का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वो एक लफाड़ी बोल रहा था, पाकिस्तान में नाइट मैच होते हैं और इंडिया में कोई ऐसी गेम दिखा दें जो नाइट में चल रही होगी। बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। ये सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं टीवी खोलते हैं, खोलने का मतलब पेचकस लेकर नहीं, जैसे ऑन करते हैं तो खबर मिलती है तालिबान ने 25 विकेट गिरा दिए, टीटीपी ने सुपर ओवर में 50 विकेट गिरा दिए। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। नहीं अभी देर नहीं हुई है, चाहो तो अभी भी झुक सकते हो। झुकना मतलब ये नहीं है कि यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। झुक नहीं यार, प्लीज हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है कश्मीर में, धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जैसे धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर। सबूत बोला था ना, सबूत दिखाऊंगा। ये देखो ये पोरकी क्या बोल रहा है कि कश्मीर में धमाके कराकर हम अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। फिर से सुनो, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जैसे धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर। इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने अपने साथ कह लें कि छोटे भाई अफगानिस्तान को भी मिला लिया है और उन्होंने भी बैकआउट कर दिया है, तो इट मींस कि वो जो मिस इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका वो एविडेंस है कि उनको पता है। और आजकल रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसका और एविडेंस हो रहा है कि वो गड़बड़ करने के मूड में हैं। अच्छा दोस्तों, एक कौम है जज्बे वाली जो कलमा पढ़ के बनी थी, वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई जज्बे वाली कौम। उसी के लिए पाकिस्तान पे वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। तो तालिबान को ये लोग बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो, 80 भी मुसलमान 83 भी मुसलमान। के पाकिस्तान से ये इवेंट्स एटलीस्ट जो इंडिया और अफगानिस्तान के, वो श्रीलंका या दुबई शिफ्ट हो जाए। अब हुआ क्या कि बन्नू कैंटोनमेंट के अटैक के बारे में आपको तो पता है, कल उसमें 8 लोग मारे गए। पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है। क्या हुआ? बन्नू में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी पे अटैक हुआ है, पाकिस्तान के 10-12 जवान शहीद हो चुके हैं। कभी कहते हैं 8 लोग मर गए, कभी कहते हैं 9 लोग मर गए, ये पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए, बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक खुद कुछ धमाके में 8 अहलकार शहीद हो गए। सोशल मीडिया पे लोग ये बोल रहे हैं कि 1.5 से लेकर 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजी मारे गए। झूठ बोलने में भी नंबर 1 है पाकिस्तानी, सही फिगर क्यों बताएंगे भाई, बेइज्जती होती है ना। शुक्र करो क्रिकेट 70 कैमरों के बीच खेला जाता है, वरना आज तक के सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते होते।
इंडिया वाले वो डरते हैं पाकिस्तानी टीम से और पाकिस्तान सिक्योरिटी का वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजन। किस चीज का डर उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से क्या डर? हम तो लगातार इंडिया से हर टूर्नामेंट में हारते हुए आए हैं, फिर वो क्यों डरेंगे कि वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते इसलिए नहीं आ रहे? ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आई। वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते इस वजह से नहीं आ रहे हैं। जिस तरह बड़ी बड़ा टाइम हो गया, जिस तरह जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के पाकिस्तान को जितवाया था। कातिया कौन जावेद? वही तोतला तिवारी जो अफगानिस्तान को धमकी दे रहा था कल। हाँ भाई हाँ, अगर हम नहीं खेलना चाहते हैं और अगर मैं इनके बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और अंडर प्रोसेस भाई कि दिस इज द वे, ये क्रिकेट में अगर ऐसा करेंगे वी डोंट वांट टू प्ले अगेन। करो फिर, और इसको फिर ICC को ये कोड ऑफ कंडक्ट देखना चाहिए कोई भी टीम हो। ये जुम्मा 8 दिन के तो बच्चे हैं। इन जुम्मा 8 दिन के बच्चों ने तुम्हारे कल 16 से भी ज्यादा विकेट गिरा, तब कहाँ था तुम्हारा जज्बा? और उसका जज्बा इतना है, उस कौम का इतना ज्यादा जज्बा है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पास। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती? वो कहता नहीं हम नहीं छोड़ती, कह रहे छोड़ो नहीं छोड़ती, छोड़ो नहीं छोड़ती, ये चल रहा है। दोस्तों एक नई न्यूज आ रही है बाहर जो अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई, लेकिन पड़ोसियों को काफी ज्यादा आग लग गई है। बातचीत जारी है BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर IPL टीम ऑनर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे अफगानिस्तान प्रीमियर लीग को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और मजीद ऊपर आ सकते हैं। पाकिस्तानियों इस न्यूज को देख के अभी से झलना मत, रोना धोना स्टार्ट मत करना। नहीं मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही अफगानिस्तान इंडिया से इस तरह कोई अमदाद लेगा कि वो अफगानिस्तान के अंदर कोई इस तरह अफगानिस्तान के अंदर प्रीमियर लीग हो। इंडिया नहीं करेगा अफगानिस्तान के अंदर इस तरह इन्वेस्टमेंट के अफगानिस्तान के अंदर प्रीमियर लीग हो, क्योंकि इंडिया को अपना भी खतरा है। किस चीज़ का खतरा? कि अब मैं अफगानिस्तान के अंदर इस तरह इन्वेस्टमेंट करूंगा, इस तरह काफ़ी क्रिकेट के इश्यूज पे ना, और कंट्रीज पता नहीं क्या सोच करेंगे। मैं रोंदलू कितनी बार बताया, दोस्त है अफगानिस्तान, महाराणा प्रताप के जवानी का दोस्त है। कर सकते हैं, आपको एक बात बोलूं, आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार था, मिस्टर इंडियन बेकर बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों को रोस्ट करते हैं, तो अगर आपको समय मिले तो एक बार इनके चैनल के ऊपर विजिट जरूर करिएगा। पाकिस्तान जब से वर्ल्ड कप के अंदर खेल रहा है तब से लगातार भारत से हारता है, हर बार TV तोड़ते हैं, हर बार रोते हैं, लेकिन आप इनका कॉन्फिडेंस देखिए किस तरीके से वीडियो के अंदर कह रहे थे कि भैया भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान से डरती है इसीलिए जो है पाकिस्तान नहीं आएगी। इसके पहले आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान गई है इनको इनके घर में घुस भारतीय टीम ने मारा है, इसके बाद में भी इस तरीके की बातें करते रहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि भैया आपके चेहरे के ऊपर शर्म है ही नहीं, आप 10 बार जूते खाते हो उसके बाद में भी इसी तरीके से बात करते हो कि आपसे अच्छा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता है। देखिए पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है, पूरी दुनिया जानती है। इस वीडियो के अंदर भी एक व्यक्ति बोल रहा था कि भैया हम आतंकवाद का सहारा लेते हैं, अपनी आर्मी का सहारा लेते हैं, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, वहां पर धमाके करा देते हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशन भारत से खराब हो जाते हैं और फिर भारत क्रिकेट खेलने के लिए मना कर देता है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि भैया आतंकवाद जो भारत के अंदर फैलता है, ईरान के अंदर जो फैलता है, अफगानिस्तान के अंदर जो फैलता है, ये सब का सब पाकिस्तान का प्रोड्यूस किया हुआ है। इसी वजह से अफगानिस्तान भी इनकार कर रहा है, इसी वजह से भारत भी इनकार कर रहा है कि भैया अगर हमारी टीम वहां पर जाएगी और इनके पाले हुए आतंकवादी अगर अटैक कर देंगे तब हमारे खिलाड़ियों को वहां पर कौन बचाएगा, इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। और भारत का पिछले जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें साफ साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं बंद करेगा तब तक उसके साथ में कोई भी मैच हम नहीं खेलेंगे उसके देश के अंदर जाकर। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।